हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है अपने लिए रेनबो लंच। ये किसी गेस्ट के लिए नहीं है, बट इट इज़ ए ट्रीट टू माय सेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो ये 250 ग्राम मशरूम है, इनको मैं अच्छे से वॉश करके थोड़ा टिश्यू पेपर से ड्राई करूँगी और पतला पतला पीसेस में काट लूँगी। और ये है 10-15 क्लोव्स गार्लिक के, जिनको मैंने छील के वॉश के चॉप कर लिया है। अब एक पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे ऑलिव ऑयल। तो तेल गरम हो गया है, अब हमारा जो चॉप्ड गार्लिक था इसको डाल देंगे और हल्का सा भूनेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे क्योंकि ये मशरूम के साथ भी पकेगा। अब हम अपने कटे हुए मशरूम भी इसमें, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे कटे हुए मशरूम्स। इसको हाई हीट पे ही पकाएंगे, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे। देखिए मशरूम अपना पानी छोड़ रहा है, इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी पूरा ड्राई ना हो जाए और मशरूम का कलर भी थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा। इसको चलाते भी रहना है साथ साथ। देखिए मशरूम अपना पानी छोड़ रहा है, इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता और मशरूम का कलर थोड़ा ब्राउनिश नहीं हो जाता। देखिए हमारा मशरूम एकदम पक गया है, इसका पानी भी पूरा सूख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में रिमूव कर लेंगे। अब हम इसी पैन में ले लेंगे थोड़ा सा बटर। इसमें बटर डालना बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी सॉस क्रीमी बनती है। तो मैंने इसमें 20 ग्राम्स के करीब बटर ले लिया है। इसको मेल्ट कर लेंगे, इसमें डाल देंगे चॉप्ड गार्लिक। तो इसकी सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच आटा। जनरली मैदा डलता है बट मैं हमेशा आटा ही डालती हूँ, बट लेकिन सॉस बहुत ही अच्छी बनती है, तो इट्स बेटर टू यूज़ होल व्हीट इंस्टेड ऑफ मैदा। अब हम इसको भून लेंगे, इसको लगातार चलाते रहना है और जब तक थोड़ी खुशबू आना शुरू हो तब तक इसको भूनना है। लम्स नहीं डलने देंगे इसमें। तो देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे और इसको साथ साथ चलाते भी रहेंगे। शुरू में ये चिपकेगा नीचे, लेकिन फिर अपने आप ये डीग्रेज हो जाएगा। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालना है और इसको चलाते रहना है, इसके लम्प्स को इस तरह से रिमूव करते जाना है। इस स्टेज पे हम फिर से थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो 250 ग्राम मैंने मशरूम लिए थे, तो 300 ml मैंने इसमें मिल्क डाला है जो कि फुल क्रीम है। तो इसको चला लेंगे, अब हम इसको थोड़ा गार्निश करेंगे। तो ये है हमारा ओरेगैनो, तो इसमें ओरेगैनो डालेंगे बहुत सारा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में ही जाएगी कुटी हुई काली मिर्च, ये मैंने आधा चम्मच डाल दिया है। हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना तीखा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। अब हम अपने मशरूम को इसमें फिर से ऐड कर देंगे और इसी सॉस में पकाएंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाती। तो हमने मशरूम में भी सॉल्ट डाला था, तो बहुत केयरफुली हल्का सा सॉल्ट डालेंगे। हमारे जो मशरूम फ्राई करके रखे थे उनको भी इसमें डाल देंगे। देखिए हमारे क्रीमी मशरूम ऑलमोस्ट डन है, बस इसको थोड़ा बॉयल आने देंगे, एक बॉयल आने देते हैं। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया है, मैं इसको थोड़ा पतला ही रखूँगी क्योंकि ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल थिक हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा नहीं हमने सुखाना है। तो इस स्टेज पे मैं इसको बंद कर रही हूँ, देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमारे क्रीमी मशरूम रेडी है। तो पास्ता सैलड बनाने के लिए हम ले लेंगे एक रेड कैप्सिकम और एक येलो कैप्सिकम, इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने एक येलो कैप्सिकम लिया है और एक रेड लिया है, ग्रीन मेरे पास है नहीं तो आप ग्रीन भी डाल सकते थे, आप जो भी मनपसंद वेजिटेबल हो डाल सकते हो, मेरे पास ये 2 अवेलेबल था। इसके साथ मैं बना रही हूँ ये ट्राई कलर पास्ता। तो मैंने कुछ ग्लास पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है और मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता, साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। पास्ता को हम 80% पानी में कुक कर लेंगे। तो देखिए हमारा पास्ता अच्छे से बॉयल हो गया है, इसको पानी से निकाल लेंगे और हमारे पास्ता सैलेड की प्रिपरेशन करेंगे।
हम ले लेंगे ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे, चॉप धनिया डाल देंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए इसको सौते करेंगे। साथ में ही हमारी वेजेस डाल देंगे, इसको क्रंची ही रखेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया है, मैंने चॉप्ड गार्लिक नहीं डाला था क्योंकि वो हमने मशरूम में ऑलरेडी डाला हुआ है। मैंने चॉप्ड गार्लिक नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको मशरूम में डाला हुआ है। तो ये हमने गार्लिक पाउडर डाल दिया है, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम अपना बॉइल्ड पास्ता इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। थोड़े चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये पास्ता वाटर थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारा गार्लिक पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो मैंने 2 चम्मच के करीब पास्ता वाटर भी डाल दिया है। हमारा पास्ता ऑलमोस्ट डन है, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये। अभी मैं इसमें थोड़ा ग्रीन कलर का टच देने के लिए मैं इसमें 2 ग्रीन चिलीज को भी स्प्लिट करके डाल रही हूँ ताकि इसमें ग्रीन कलर भी आ जाए। तो देखिए हमारा कलरफुल पास्ता रेडी है। अब हम इसको कुछ क्रीमी मशरूम के साथ सर्व करेंगे। माई रेनबो लंच इज़ रेडी।